शनिवार सुबह हुआ बड़ा हादसा। एयरफोर्स के दो फाइटर प्लेन सुखोई 30 और मिराज 200 एयरक्राफ्ट आपस में टकराकर क्रैश हो गया। अब तक की सूचना के मुताबिक दोनों विमानों के दो अलग अलग जगहों पर गिरने की बात बताई जा रही है। एक प्लेन राजस्थान के भरतपुर में और दूसरा मध्य प्रदेश के मुरैना में गिरने की बात कही जा रही है। हालांकि एक अच्छी खबर यह है कि तीन में से दो पायलट को बचा लिया गया। हादसे के शिकार हुए दोनों एयरक्राफ्ट ने ग्वालियर एयरबेस से उड़ान भरी थी। वायुसेना और जिला प्रशासन के अफसर मौके पर पहुंचकर सर्च ऑपरेशन में जुटे हैं। घटना स्थल पर ग्रामीणों की भीड़ भी जुटी हुई है। कुछ सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि वायुसेना प्रमुख ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को हादसे की जानकारी दी थी। उन्होंने दोनों लड़ाकू विमानों के पायलटों के बारे में पूछा भी था, साथ ही वे पूरे घटनाक्रम पर नजर भी रख रहे थे। ग्रामीणों के मुताबिक प्लेन में आसमान में ही आग लग गई थी। देखते ही देखते जलता हुआ पायलट जेट रेलवे स्टेशन के नजदीक गिरा। वहीं दूसरी तरफ वायुसेना और जिला प्रशासन के अफसर मौके पर पहुंचे। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एयरफोर्स चीफ से बात की, साथ ही मामले की जांच भी शुरू कर दी है। यहाँ से वहाँ तक कैसे हुआ? हाँ, एक तो बोलना नहीं, ठीक हो तो बेटे।